हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है और 1 से 2 कप पानी लेंगे। जिस कप से मैंने चीनी लिया है उसी कप से पानी भी लेंगे, और आधा कप मैंने पानी और ऐड कर दिया है। टोटल मैंने 2 से 2.5 कप पानी ऐड किए हैं, थोड़े से मैंने पानी और ऐड कर दिया है, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा सा मीठा कम ही बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है। आप चाहें तो आधा कप शुगर और ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 छोटी इलायची मैंने क्रश करके ऐड किया है फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या बिना फ्लेवर के भी बना सकते हैं। और अब शुगर चीनी को 7 से 8 मिनट तक हाई या मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसका हमें शुगर सिरप बनाना है, 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हल्का सा तेल के जैसा चिपचिपाहट आ जाए बस उसी पॉइंट तक हमें पकाना है। तो शुगर सिरप को मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है, और अब इनको कवर करके दूसरे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्राई पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच घी, साथ में दूध ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप के करीब। तो टोटल मैंने 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। दूध हमारे एकदम से कच्चे थे तो मैंने 1 उबाल आने तक दूध को पका लिया है। आप नहीं भी पकाएंगे तो भी चलेगा। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी। सूजी मैंने मेरे मोटे वाले साइज़ के थे, तो मैंने मिक्सी के जार में हल्का सा दरदरा पीस लिया है। जिस कप से मैंने चीनी लिया था उसी कप से 1 कप सूजी मैंने लिया है। तो सारे सूजी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एकदम लो फ्लेम पर इनको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं मिक्स करेंगे, जे नहीं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो ये देखें, सूजी हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, एकदम डो की शक्ल में आ चुके हैं। जब इस तरह से सूजी हमारे डो के फॉर्म में आ जाएं तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और फिर इनको कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो सूजी को 5 मिनट तक रेस्ट पर रखते हुए हो चुके हैं, सेट भी हो गए अच्छे से और हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सूजी को एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब इनको अच्छे से मैश करेंगे। अभी भी ये सूजी गर्म है, पर हमें इनको गर्म ही मैश करना है। जब ये हमारे दो थोड़े से ड्राई लगें तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सूजी को मसल मसल कर इकट्ठा कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा। इससे हमारे गुलाब जामुन थोड़े से स्पॉन्जी बनेंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब बेकिंग सोडा को भी मिक्स कर लेंगे डो के साथ अच्छे से। तो बेकिंग सोडा और सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इसका इस तरह से बॉल बनाकर देखेंगे। जब ये हमारे बॉल्स अच्छे से बन जाए, कोई भी क्रेक्स ना रहे इसमें। तो हमारे बॉल्स अच्छे नहीं बने थे, हमारे आटे सख्त थे, तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है, और इनको अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट कर लेंगे आटे को। जब तक कि आपके सूजी आटे की तरह सॉफ्ट मुलायम ना हो जाएं, तब तक आप इनको मसलते रहें इसी तरह से लगातार। तो इनको मैंने लगातार 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से नीड किया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे डो सॉफ्ट हो चुके हैं। जिस तरह से हम रोटी के आटे का डो लगाते हैं, बस उसी तरह से इनका भी डो बनाकर तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हुए हैं। बस थोड़ा सा और आटे को मसल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से आटे को तैयार कर लिया है, और अब इनके हम अच्छे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा लेंगे और इनका बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं क्योंकि मुझे बड़े साइज़ के पसंद हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे, आपके आटे बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, तभी आपके बॉल्स बहुत अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे फ्राई करते टाइम। तो ये देखें, सारे आटे का मैंने इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिया है, और अब चलते हैं फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए पहले से गैस पर चढ़ा दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 गुलाब जामुन ऐड करेंगे, बाकी के हम बाद में ऐड करेंगे। जब इस तरह से हमारे 1 गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तभी हम दोबारा से और गुलाब जामुन को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं तेल में जाकर। तो इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जो मैंने बनाकर रखे हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से एक गुलाब जामुन फ्राई करके देख लीजिए। जब आपके गुलाब जामुन नहीं फटे तो बाकी के गुलाब जामुन को फ्राई कर सकते हैं, या फट जाएं तो फिर उनको थोड़ा सा और नीड कर लें, थोड़ा सा दूध ऐड करके। जब आपके आटे सॉफ्ट रहेंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं मीडियम फ्लेम पर, इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप अपने हिसाब से गुलाब जामुन को फ्राई कर सकते हैं, आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क फ्राई कर लीजिएगा, और या आपको हल्का गोल्डन पसंद है तो आप हल्का सा गोल्डन भी फ्राई कर सकते हैं। हमें इतना ही गोल्डन ब्राउन करना था तो हम इतना ही फ्राई किए हैं, आप चाहें तो और डार्क भी कर सकते हैं। और डार्क फ्राई करने के लिए आप अपने गैस के फ्लेम को लास्ट में हाई कर दीजिएगा। इस तरह से आपके गुलाब जामुन डार्क हो जाएंगे तो बाकी के जो बचे हैं हम उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने चाशनी बना कर रखे थे उसको मैंने एक बाउल में ले लिया है, और ये देख सकते हैं आप, सारे गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। और अब चाशनी में सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। चाशनी हमारे थोड़े से गर्म है, बहुत हल्का सा गर्म है, और गुलाब जामुन भी हल्के से ठंडे थे, ज़्यादा गर्म नहीं थे। तो गुलाब जामुन मैंने चाशनी में ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इनको कवर करके इसी तरह से आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो गुलाब जामुन को रखते हुए आधे घंटे तक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने सारे जूस एब्जॉर्ब कर लिए हैं। और अब गुलाब जामुन को मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही जूसी स्पॉन्जी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। इस गुलाब जामुन को हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी बनी है कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और रेसिपी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं चलती हूँ, फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।